नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ, योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी कैबिनेट में मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में जारी स्वीकृतियों पर होगी चर्चा। डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने पर भी होगा विचार। नीति आयोग के अधिकारियों के साथ भी होगी सीएम की बैठक। यूपी के 8 महत्वाकांक्षी जिलों के संबंध में होगी यह बैठक। तय मानक के अनुसार हुए काम पर भी होगा फोकस। अभी प्रदेश के 8 महत्वाकांक्षी जिलों में से 6 अंडर 20 है और योगी ने एक साल के अंदर अंडर 10 आने के जारी किए हैं निर्देश। तो आपको बता दें, आज योगी की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक से पहले नीति आयोग की बैठक होगी, जहां योगी आदित्यनाथ होंगे मौजूद और नीति आयोग के अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करने वाले हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, हम जानना चाहेंगे कैबिनेट में बैठक, कैबिनेट की जो आज बैठक होने वाली है, उन्हें किन किन बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आज बैठक में क्या खास एजेंडा रहेगा? देखिए, 12:30 बजे आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वैसे कैबिनेट की बैठक प्रत्येक मंगलवार को होती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज देर शाम दिल्ली जाएंगे और कल शायद उनका संभवतः गोरखपुर दौरा है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को गोरखपुर में रहते हैं। तो इस नाते कैबिनेट की बैठक आज सोमवार को है और करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें लखनऊ गाजियाबाद को म्युनिसिपल ब्रांड जारी करने की आज मंजूरी मिल सकती है, जो योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय लिया जाएगा। बजट में एकमुश्त प्रावधान, धनराशि के सापेक्ष बजट मैनुअल पैरा 94 के अंतर्गत 2018-19 का स्वीकृतियों का विवरण कैबिनेट की बैठक में पेश होगा, इसको पास किया जा सकता है। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर के लिए करीब 34-45 एकड़ जो भूमि है, वो डिफेंस कॉरिडोर को निशुल्क आज सरकार हस्तांतरित कर सकती है। इसके अलावा नागरिक पुलिस और उप निरीक्षक सेवा के प्रस्ताव में संशोधन करेगी। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश वित्त पिछड़ा वर्ग विभाग के संयुक्त पद और पिछड़ा वर्ग विभाग के पदोन्नति चयन प्रक्रिया के प्रावधान में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य कई कैबिनेट के फैसले और हैं, जिसपे योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक में उन प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और उसको करीब 1 बजे मीडिया को जानकारी दी जाएगी कि कितने बजे प्रस्तावों और कितने प्रस्तावों पर योगी सरकार की मोहर लगी। लेकिन सबसे खास बात, लखनऊ गाजियाबाद म्युनिसिपल ब्रांड जारी करने के अलावा डिफेंस कॉरिडोर को जो 45 एकड़ भूमि जो है वो सरकार निःशुल्क हस्तांतरित करेगी। ये दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले हैं, क्योंकि सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो या योगी सरकार, डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के लगातार जो निर्णय लिए जा रहे हैं, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर समय सीमा एक निर्धारित कर दी गई है, उसके अंदर उसको बनाना है। पिछली सरकार जो मोदी की थी, उसी कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर मिला था जब निवेशक सम्मेलन थे। अब उसको गति देने के लिए जहाँ भी भूमि की व्यवस्था या कुछ और अड़चनें आ रही हैं, उसको बाकायदा कैबिनेट में ला करके दूर करने की कोशिश की जा रही है। तन्वी जी, मतलब है कि डिफेंस कॉरिडोर के अलावा भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इस कैबिनेट बैठक में। वही सीएम योगी आज नीति आयोग के अफसरों के साथ भी बैठक करने वाले हैं, तो क्या कुछ खास होगा इस बैठक में भी? देखिए, नीति आयोग की बैठक उन 8 जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जाएगी, नीति आयोग के अधिकारी भी होंगे। चूंकि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश में 8 जनपदों को काफ़ी पिछड़ा घोषित कर दिया है, जिसमें बहराइच, लखीमपुर तथा अन्य जनपद हैं, उनकी जो विकास की प्रगति है वो काफ़ी स्लो है, खासकर स्वास्थ्य, चिकित्सा और बाल विकास से संबंधित जो विभाग आते हैं उसमें उन क्षेत्रों को काफ़ी पिछड़ा माना गया और नीति आयोग ने इन जो जिलों को घोषित किया है, इनको विकास का जो पैमाना तय किया है बहुत पिछड़ा बताया है, उसको ऊपर उठाने के लिए
इन 8 जिलों को खासकर फोकस करने के निर्देश दिए थे नीति आयोग को ने। उसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार इन 8 जनपदों के अधिकारियों के साथ कई सारे स्कीमें महत्वाकांक्षी शुरू की है, लोगों के विकास के लिए कई सारी योजनाओं को शुरू किया है। इन जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ चिकित्सा, बिजली, अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है और उन जिलों के अधिकारियों के साथ जो नीति आयोग के अधिकारी हैं उन जिलों को लेकर के आज बैठक होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में नीति आयोग की बैठक होगी जिसमें इन जिलों का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उससे पहले इन जिलों की आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक के साथ पूरी स्थिति का अवलोकन करेंगे और जानेंगे अभी किन परिस्थितियों में जिले खड़े हुए हैं, इनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि काफ़ी पिछड़े जिले नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के घोषित किए थे, जिन जिलों की 8 जिलों की सूची बाकायदा जो प्रदेश सरकार को सौंपी गई थी, जिनको विकास से काफ़ी पीछे बताया गया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। और आपको बता दें, जैसा कि उन्होंने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएंगी और साथ ही नीति आयोग की बैठक भी आज करने वाले हैं और उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए। तो वहीं आज शाम राष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आने का देंगे निमंत्रण। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का होगा आयोजन, 65,000 करोड़ के निवेश का होगा शिलान्यास। यूपी में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की उद्यमी कर रहे हैं तारीफ, पिछले 15 सालों में भी कभी नहीं आया था यूपी में इतना निवेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति से मिलेंगे मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में होगी उपराष्ट्रपति से सीएम की मुलाकात। उपराष्ट्रपति को यूपी में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है, जहां उपराष्ट्रपति से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्हें दिल्ली में होगी उपराष्ट्रपति से सीएम की मुलाकात। उपराष्ट्रपति को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का देंगे निमंत्रण। वहीं यूपी में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अमित सिंह हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। अमित, हम जानना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति से मिलने आज जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जहां पर 65,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है और इस आयोजन में उपराष्ट्रपति को बुलाया जाएगा, किन किन बातों पर चर्चा हो सकती है? देखिए तन्वी, ये दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मुख्य अतिथि थे और तब 60,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया था। करीब 130 प्राइवेट पार्टनर्स जो हैं वो सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में निवेश करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जिसका निमंत्रण लेकर, इनविटेशन लेकर मुख्यमंत्री आज उपराष्ट्रपति के यहाँ पहुंचेंगे। पहले ये दिसंबर में होना था, फिर इसकी जो तिथि है वो टलकर फरवरी में गई, तो अभी बताया जा रहा है कि जुलाई के आखिर में ये दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होना है। इसमें 65,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और इस सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति को आमंत्रित करने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। शाम 7:30 बजे ये मुलाकात होनी है और उसमें इनविटेशन में बकायदे उनको आमंत्रित किया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में निवेश की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, प्राइवेट पार्टनर्स को कैसे वो आमंत्रित कर रहे हैं। जी जी, मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा और साथ ही उपराष्ट्रपति को इस आयोजन में बुलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ सके। इसके अलावा और किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जा सके?
देखिए तन्वी, इसके पहले जो एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था उसका क्या हुआ अभी तक इसकी ठीक ठीक जानकारी न तो उत्तर प्रदेश की सरकार दे पा रही है और न वो प्राइवेट पार्टनर्स ही दे पा रहे हैं जिन्होंने एमओयू साइन किया था। उसमें बहुत से नाम हैं, लगभग सभी जो लीडिंग कॉरपोरेट कंपनियां हैं सभी का नाम है जिन्होंने एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अभी तक ठोस रूप ले नहीं पाया है। ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन अभी निवेश लाने के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। और मुख्यमंत्री इस बात को समझते हैं कि अगर वेलफेयर स्कीम्स को आगे बढ़ाना है, किसानों की आय दोगुनी करनी है, खेती किसानी को और बेहतर करना है तो निवेश तो लाना होगा, और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रयास कर रही है और उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी, साथ ही इससे पहले भी एक बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, तो उसमें जिन लोगों ने निवेश करने की बात कही थी, क्या उनका निवेश करने के बाद कुछ विकास कार्य संभव हो पाया है या कुछ बदलाव देखा गया है वहां पर? देखिए, चूंकि इसमें दो मत नहीं है कि थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन प्राइमरी स्टेज पर है, अभी डीपीआर के लेवल पर काम चल रहा है। निवेश एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पिछले 30-35-40 सालों में डेवलपमेंट को लेकर कोई ठोस हुआ नहीं, सिवाय करप्शन के और सिवाय स्कैम्स और अपराधों के कोई बहुत तरक्की प्रदेश में हुआ नहीं, तो पिछले 3-4 सालों में निश्चित रूप से एक तस्वीर बदलने की कोशिश हुई है। तो निवेश लाने के लिए एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है जो दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में नहीं रही पिछले 25-30 सालों में। तो निश्चित रूप से सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सरकार मेहनत कर भी रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं और जो आगे चलकर जिन एमओयू पर हस्ताक्षर होने हैं उससे तस्वीर बदलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सरकार को इसके लिए एक कृत संकल्प, एक दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति तो रखनी पड़ेगी, तभी जाके उत्तर प्रदेश में निवेश आ पाएगा और विकास हो सकेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें कि दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए उपराष्ट्रपति को निमंत्रण देने योगी आदित्यनाथ जाएंगे और यूपी में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन ऑपरेशन 14 के तहत शराब दुकानों की हुई जांच, ओवर रेटिंग के खिलाफ चलाया गया महाअभियान। जिले में है कुल 103 शराब की दुकानें जिसमें से 51 दुकानों पर एक्सरसाइज एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, वहीं 5 दुकानें ओवर रेटिंग के मामले में की गई सील। तो आपको बता दें पिछले कई दिनों से शराब की ओवर रेटिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर नोएडा पुलिस की ओर से ऑपरेशन क्लीन 14 चलाया गया जिसमें कुल 103 शराब में की दुकानों में से 51 पर एक्सरसाइज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और 5 दुकानों को ओवर रेटिंग के मामले में सील कर लिया गया है। शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, हम जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल नोएडा पुलिस ऑपरेशन क्लीन 14 चला रही है, तो इसमें कितने शराब के दुकानों पर कार्रवाई की गई है? नोएडा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन 14 चलाया गया और लगातार और नोएडा पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है, जिसके तहत कल आज जिले में 103 दुकानें सभी शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई है। नोएडा पुलिस की जो टीम थी वहाँ मौके पर पहुंची है, उन्होंने जितने भी दस्तावेज थे वो कंगाला है, वहाँ मौजूद लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एक्साइज जो एक्ट होता है उसके नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों को सीज किया है। वहीं दूसरी तरफ 51 जो दुकानें हैं उनको एक्साइज ड्यूटी के तहत उन पर कार्रवाई करी गई है। नोएडा पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पिछले काफी समय से शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते ये शराब की दुकानों पर कार्रवाई करी गई है। आपको बता दें कि लगातार जो SSP गौतमपुर नगर वैभव किशन है वो ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं और जितने भी अवैध गतिविधियां हैं या शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग है ऐसे और अपराधियों के खिलाफ इस तरीके का अभियान चल रहा है और ऑपरेशन क्लीन 14 के तहत अब शराब की दुकानों पर ये कार्रवाई माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से जितनी भी ओवर रेटिंग जो शराब के दौरान ली जाती है वो अब कम होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिव त्यागी। उन्होंने बताया कि ओवर रेटिंग के खिलाफ नोएडा पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन 14 चलाया है जिसमें 103 शराब की दुकानों में से 51 पर एक्सरसाइज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, वहीं 5 दुकानों को ओवर रेटिंग के मामलों में सीज कर लिया गया है। तो चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विभिन्न जिलों में हो रही गोवंश की मौत के मामलों को लेकर अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने रविवार रात को संबंधित जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने बीडीओ मलकीपुर, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मलकीपुर, ग्राम पंचायत अधिकारी पलिया माफी मलकीपुर और प्रभारी कांजी हाउस अयोध्या नगर नगर निगम डॉक्टर उपेंद्र कुमार और डॉक्टर विजेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया, जबकि कई जिलों के जिलाधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। सीएम योगी ने गोवंश के मुद्दे को लेकर जिला अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अयोध्या को भी गोवंश मृत्यु के संबंध में नोटिस दिया है। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर डॉक्टर एके सिंह, प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मिर्जापुर मुकेश कुमार और नगर अभियंता रामजी उपाध्याय नगर पालिका मिर्जापुर को भी निलंबित करने का निर्णय लिया। सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई भी प्रारंभ की जा सकती है। वहीं झांसी के जिला अस्पताल में देर रात को मरीजों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बता दें कि महिला वार्ड में मरीजों को नर्स इंजेक्शन लगा रही थी, तभी अचानक एक दर्जन मरीजों को एक साथ शरीर में कंपन और बुखार के साथ घबराहट शुरू हो गई। हालत बिगड़ते देख नर्स ने सीएमएस जिला अस्पताल डॉक्टर बी के गुप्ता को फोन कर बुलाया। वहीं मरीजों की हालत गंभीर होते देख परिजनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। नर्स के इंजेक्शन लगाने के बाद सभी मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल में धीरे धीरे सीनियर डॉक्टर भी आ गए, तब तक कुछ मरीज अस्पताल छोड़कर चले गए। वहीं सीएमएस जिला अस्पताल ने बताया कि स्थिति काबू में है और हम इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ जांच करा आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको बुखार था और चक्कर आ रहे थे, एडमिट करवाए यहाँ पे, तो एडमिट करा इन्होंने और बोतल लगाई इसको, तो बोतल लगाई, जैसे ही बोतल लगाई तो इसको चक्कर अक्कर आने लगे, धपती धपती पीसने लगी, बहुत भयंकर हाथ पैर हिलने लगे। फिर इन्होंने टैबलेट दी, टैबलेट देने के बाद टैबलेट दी इन्होंने, तो टैबलेट से कंट्रोल में हो गई। फिर अभी इन्होंने इंजेक्शन लगाया दोबारा से, तो फिर अब कंट्रोल नहीं हो रही थी। इन्होंने फिर दोबारा 10 मिनट बाद फिर इंजेक्शन लगाया, तो इसको बस इसकी कप आ रही थी, सर्दी तो कम हो गई लेकिन बुखार देखिए कितनी तेज है इसको। हमको पहले इन्होंने इंजेक्शन लगा दिए दो, और फिर घबराहट हुई बहुत कस के, फिर ठंड लगने लगी बहुत कस के, और फिर इसने कहा ना हमको बुखार आने लगा बहुत कस के, पसीना के दौड़ा आने लगे कस के, गलत इंजेक्शन लगा दिए इन्हें, सबको लगा दिए। कि मरीजों को रेंटेक इंजेक्शन फीमेल मेडिकल वार्ड में लगाए गए, उसके बाद बहुत से मरीजों को फीवर आने लगा, और फ़ोन पर ही मैंने बता दिया था कि अभी एबिल तो फिलहाल लगा दो, फीवर आने लगा और ठंड सी लगने लगी। ठीक है, तो ये सस्पेक्टेड था कि संभवतः कोई रिएक्शन किया है नहीं किया है, तो तब तक मैं आ गया वार्ड में। अधिकतर मरीजों को फीवर था जिनको इंजेक्शन लगे थे, उनको मैंने पैरास्टामोल इंजेक्शन, जो मरीज को देख करके किसी को केवल पैरास्टामोल, किसी को पैरास्टामोल और डेकाडोन के इंजेक्शन लगवाए गए। सोनभद्र में पुलिस ने अपराधी होने के शक में युवक को गोली मार दी। युवक का नाम रविंद्र है और वह ददरा पहाड़ी राजगढ़ का रहने वाला है। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कर्मा थाना की मोबाइल पार्टी रात गश्त कर रही थी, मड़िहान की तरफ से सफेद अपाचे आ रही थी, चालक ने हेलमेट लगा रखा था, गाड़ी बिना नंबर प्लेट की थी। पुलिस टीम ने बाइक चालक को रोकने का प्रयास किया, बाइक सवार मिर्जापुर की तरफ भागने लगा, जिस पर पुलिस पार्टी ने फायरिंग की। गोली युवक के हाथ में लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। रविंद्र की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रकरण की जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है। तो आपको बता दें, अपराधी होने के शक में युवक को गोली मार दी गई और यहां पर अभी फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन जब बाइक सवार भागने लगा तो पीछे से पुलिस ने उस पर गोली चला दी। चलिए अब जानते हैं उत्तराखंड की खबरों को। देहरादून में प्रदेश सरकार की नीतियों का आज कांग्रेस करेगी विरोध। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ आज सड़क पर उतरेगी कांग्रेस।
उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में धरना प्रदर्शन होगा। वहीं तमाम कांग्रेसी धरना प्रदर्शन कर जताएंगे विरोध। महंगाई, भ्रष्टाचार, पंचायत एक्ट में मनमानी को लेकर इस धरना प्रदर्शन को किया जाएगा। वहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन होगा। देहरादून के गांधी पार्क में किया जाएगा यह विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाना है। तो सरकार के खिलाफ आज सड़क पर उतरेंगे कांग्रेस। अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी खरीदारी का माहौल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 129 अंकों की बढ़त के साथ 38,865 करोड़ का कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 25 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 11,565 के करीब कामकाज कर रहा है। सबसे ज्यादा तेजी आईटी और रियल्टी शेयर में है दर्ज की जा रही है। शेयर बाजार में